अगर मैं किसी का कर रही हूँ और मैं खुद मेडिटेशन नहीं कर रही है ना या अपनी लाइफ मतलब ये जो पर्सन कर रहा है इसको एक तरह से आप सोचो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ओके आ, आपको कुछ घंटे फिक्स है जिसमें आपको मेडिटेशन सुबह उठ के करनी करनी अगर आप नहीं करोगे तो आपको माइग्रेन uh, की हेड की प्रॉब्लम रह सकती है आपको हेयर फॉल हो सकता है या आपका बॉडी में वेट गेन वेट लूज हो सकता है या आपको एंगर इश्यूज बहुत इंक्रीज हो जाते हैं मतलब आप दूसरों का एंगर ले रहे हो दूसरों की चीज नेगेटिविटी ले रहे हो तो हाँ ऐसा होता है भी है मेरे साथ इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ एक दिन ना मैंने पता नहीं कहां से रेड लिपस्टिक लगा के ना ब्लशर लगा लिया और मुझे भी नहीं पता चला कि ये क्या हुआ है तो मम्मा ने देखा मम्मा ने देखने के बाद मम्मा कह रहे हैं पापा को मेरे इसको ना बहुत बुखार चढ़ गया इसके पूरे गाल लाल हो गए इसका पूरा मुंह लाल हो गया इसने कुछ कर दिया है तो मैं मुझे समझ ही नहीं मुझे ना पता कि क्या हो हा, गया हा, ये उसके बाद मम्मा पट्टिया करे ये करे वो करे मैंने मुझे भी टेंशन मिल रही थी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या उसके बाद ना वो पट्टी करते करते ना वो व्हाइट कलर में ना वो रेड कलर निकल गया फिर फिर मैंने थोड़ा अपने आप को किया सबसे अलग भी किया थोड़ा पहले बहुत पार्टी वार्टी करते थे उस चीज़ से भी सब चीज़ों से अलग किया और मैं गई स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे ना बहुत मजा आने लगा जैसे तो हम देखते हैं ना कि आ, मतलब लोग कहते हैं वृंदावन जाओ ऐसा हो जाता है केदारनाथ जाओ ऐसा हो जाता है तो मैंने सोचा यार एक बार जाके देखते हैं क्या पता कुछ हो जाए देखो एक तो थोड़ा हम अट्रैक्ट भी होते हैं रील से और एक हम उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं हाँ तो मैं गई पहले वृंदावन ही गई मैं okay. तो जब मैं वहां गई मुझे एक अलग सी पावर फील हुई कि हाँ कुछ है है। तो लोग सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं अगर उनको कोई रेमेडी दे दो ना

हाय महिमा हेलो सर क्या हाल चाल बहुत बढ़िया सर आप बताएं बहुत बढ़िया अच्छा पहले तो वही वाली बात बताओ जो ये महिमा नाम महिमा चौधरी की वजह से है हाँ। <laughs> किसको पसंद था ये ये मेरे पापा को पसंद था अच्छा मतलब कि हाँ। पापा को महिमा चौधरी पसंद थी तो इसलिए आपका नाम हाँ, उसकी एक्टिंग पसंद थी ओके <laughs> okay. नहीं एक्टिंग तो नहीं पसंद होगी क्या पता पापा को पसंद भी हो चलो इस बात पे नो कमेंट्स मम्मी भी देख रही होगी नहीं मम्मी को ठीक है है पसंद तो पसंद होती है, कोई हाँ, भी हो सकता है लेकिन शादी तो आप मम्मी से ही है ना हाँ, शादी ओ, के बाद ही तो चौधरी को क्रश है तो आपका कौन है वैसे क्रश मेरा क्रश वो मैं आपके हस्बैंड भी देख रहे होंगे लेकिन पता है कौन है कौन है वही है अच्छा वही है नहीं वैसे कोई बॉलीवुड में नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं है

अच्छा। <laughs> हाँ, तो फिर वो लोग ना आगे की सोचने लगे अच्छा आप कितने की होगी होगी <laughs> तो वो हम नहीं बताएंगे कि अब अब क्या है ना ओ तो आप स्टार्ट करते हैं मैं और अब साइड है टैरो के साथ साथ मैं रेकी भी करती हूँ बट रेकी अभी मैं उस पर मतलब मेडिटेशन पे हूँ तो अभी दूसरों की नहीं कर रही अब मैं इस मंथ से फर्स्ट ऑफ डिसम्बर से मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करने वाली हूँ

इम्बैलेंस है कोई भी चीज कि आपको लगता है आपको एंगर इश्यूज है या कोई नेगेटिव वे में भी कोई चीज है जो इंक्रीज है बॉडी में है हाँ, इनफैक्ट हाँ. इसको आप यूरिनेशन की प्रॉब्लम से भी कर okay. सकते हो कोई भी चक्रा इम्बैलेंस है तो okay. उसको रेकी बैलेंस करता है ओके okay. हां आपके तो ये बेसिकली आप करते कैसे हो वो इन जो पर्सन को प्रॉब्लम है वो सामने होना चाहिए

तो वो पेन आपके अंदर आती है तो फिर आपकी बॉडी थोड़ी दिन के लिए थोड़े टाइम के लिए आ, क्या बोलते हैं उसे कि वीक वीक हो जाती है। वीक भी हो जाती जाती है है भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है जो आप... कर रहा है हाँ, जो कर कर रहा है ओके okay. अगर मैं किसी का कर रही और मैं खुद मेडिटेशन नहीं कर रही हुँ. है ना या अपनी लाइफ मतलब ये जो पर्सन कर रहा है इसको एक तरह से आप सोचो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हाँ आपको कुछ घंटे फिक्स है जिसमें आपको मेडिटेशन सुबह उठ के करनी ही करनी अगर आप नहीं करोगे

ऐसे करना वो करना और कुछ ना मेरे को किसी ने मतलब बात आ, कही थी ऐसे ऐसी रेंडमली तेरे हसबैंड का नाम ना एस से होगा ओके okay. तेरे हजब का नाम एस से होगा और ब, ऐसा मतलब कुछ चीजें सिमिलर और जब मेरी शादी हुई मैंने देखा कि हाँ यार हस्बैंड का तो सब कुछ सेम है नहीं तो ना जैसे मैं मांगलिक मांगलिक और मांगलिक को मांगलिक मिलना हाँ। शादी हुई हम मतलब जानते थे शादी से पहले लव मैरिज तो नहीं कहूंगी बट हम फ्रेंड्स थे ओके। okay. तो उसके घर वालों को नहीं पता था मैं मांगलिक हूँ मेरे घर वालों को ये नहीं पता था वो मांगलिक है ओके लेकिन आप दोनों मांगलिक थे हाँ और हमें भी नहीं पता था कि वो मांगलिक है ऐसा कहते हैं ना बना दी जोड़ी तो बाद में पता चला कि हाँ यार ये तो सब शॉर्ट है नहीं तो इस बात में तो मतलब इशू हो सकता है सही ना? बात है हम्म सही बात है कि बॉयफ्रेंड भी सॉरी बॉयफ्रेंड तो नहीं था हाँ, फ्रेंड था हाँ ओके बॉयफ्रेंड नहीं बोल बोल सकते हैं बॉयफ्रेंड ही बोलो <laughs> तो तो कुछ भी बोलो अब तो आ गया ना ना तो कब कितने साल पहले मिले थे शादी से शादी से हम तीन चार साल पहले मिले थे अच्छा हम्म तो कैसे मिले थे वो बोल सकते हैं हां कैसे बहुत ही अटपटी सी स्टोरी है हम okay. जोमेटो के थ्रू मिले थे जोमेटो गोल्ड सुना है आपने हाँ. हाँ, तो मैं क्या करती थी हर सैटरडे को ना अपने फोन में जोमेटो गोल्ड देखती थी कहाँ ऑफर है ऑफर हाँ, और जहाँ भी ऑफर हो वहाँ डाइन के लिए थी डाइनिंग हाँ, के लिए, हाँ, के लिए हाँ, था ना वहाँ पहुंच जाती होती थी तो मैं टू थाउजेंड एटीन में अपना टेंटेम्बर को ट्वेल्थ को मेरा बर्थडे होता है टेंथ को चलेगी मैं यहाँ सेक्टर ट्वेंटी टू में उनका रेस्टोरेंट था वहाँ गई तो ये थे और मैंने तो फोन पे बात करी मैंने कहा आपके ना यहाँ दो दो ऑफर चल रही हैं और एक तो जोमेटो गोल्ड वाली है एक जो आप डाइनिंग में दे रहे हो तो कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है हाँ। एक ही ऑफर मिलेगी मैं वहाँ गई मैंने मैं कहा सर प्लीज़ हाँ। देख लो हाँ। <laughs> उन्होंने भी बोला ठीक है उन्होंने पहले मुझे बड़ा घूर के देखा और उसके बाद बोला चल ठीक है फिर मैं वहाँ का खाना अच्छा लगा मैं ग्यारह को फिर पहुँच गई फिर मैं बारह को फिर पहुँच गई तो बस ऐसे करते करते थोड़ा मेरा वहाँ आना जाना ज़्यादा हो गया और ऐसे

कॉस्मेटोलॉजी तो तो स्टार्ट किया जैसे अब तो ना एक बहुत एक वर्ड है हाँ। कॉस्मेटोलॉजी पता नहीं क्या जब हाँ। जब हम जब ये इस चीज का ट्रेंड भी नहीं था ना तो इसको ना ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स बोलते थे ओके। तो जब मैं छोटी थी जैसे मेरा ना पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान था फैशन करने में बहुत ज्यादा था मेकअप करना हाँ। और मेरी मम्मा का बिल्कुल भी नहीं था तो हमारे घर हाँ। पे ना सामान नहीं होता था मैं जिसके घर भी जाती थोड़ा 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 देखती रहती थी क्या है फिर जब टेंथ हो जाती है ना तो उसके बाद हमें घर वाले तो मम्मी को तैयार होने का शौक नहीं था, था। मम्मी को मेरी इतनी ज्यादा मेकअप नहीं करते होते थे तो आप में कहा से आया पता नहीं कहाँ से आया ये कोई बुआ कोई चाची कोई ऐसे कोई तो मेरी फ्रेंड की मम्मा थी वो नहीं मैं बताऊंगी <laughs> वो बहुत मेकअप करते थे उनको देखती रहती थी कही बहुत सुंदर लगते है कहा चंबा में हाँ चंबा में तो मैं उनको देखती रहती थी कि ब्लशर ये वो ना तो खुद भी कर लेती थी इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ एक दिन ना मैंने पता नहीं कहाँ से रेड लिपस्टिक लगा के ना ब्लशर लगा लिया और मुझे भी नहीं पता चला कि ये क्या हुआ है तो मम्मा ने देखा मम्मा ने देखने के बाद हो गया तो उसके बाद मम्मा पट्टिया करे ये करे वो करे मैंने मुझे भी टेंशन मिल रही थी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या उसके बाद ना वो पट्टी करते करते ना वो वाइट कलर में ना वो रेड कलर निकल गया फिर अच्छा ये है इनफैक्ट इससे भी एक खतरनाक इंसिडेंट सुनाती हूँ सिर्फ क्रीम मिली कोई भी पकड़ी मुंह में लगानी क्रीम मिली कपड़ी एक बार मैंने मुंह लगा ली वो तो जलन होगी जलन होगी पूरे मुंह में उसके बाद मैंने सोचा मैंने कहा यार कुछ नहीं करना भाई ये सब आ, अपने बस का नहीं है जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं करना लेकिन तक तो ना हम कर नहीं सकते स्टडी हुई पूरी? स्टडी मेरी अभी तो चंबा में हुई तक। okay. उसके बाद वो उन्होंने बोला कि आगे क्या करना है है ना? कि कोई मम्मा कहते थे नॉन मेडिकल कर हाँ, ले मेडिकल कर ले तो मेडिकल में और नॉन मेडिकल में तो सिर्फ सुना ही था कि बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टेंथ में ही हमें फिजिक्स केमिस्ट्री ने तो कर दिया था

वैसे तो बहुत चीजों के लिए फेमस हाँ है सुई का मेला उसके लिए फेमस है। आपका एक इंटरनेशनल फेयर होता है उस चीज ने उसको वर्ल्ड लेवल पे फेमस किया था वर्ल्ड लेवल पे तो वैसे ही फेमस है लेकिन मेरे को लगता है कि उसके बाद ज्यादा लोगों को पता लगा उसके बारे में चंबा के बारे में मुझे नहीं पता ताल हाँ, ताल मूवी मूवी ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय की मूवी जो है पे शूट हुई थी वो हाँ, में, हाँ, हाँ, ना करिए हाँ, आपको पता है वैसे है? वैसे मुझे नहीं पता था नहीं, नहीं पता था? तो नहीं पता था। अब जाओगे अभी जाते वे चंबा अब तो बिल्कुल ही नहीं अब तो हाँ धर्मशाला शिफ्ट हो गए तो धर्मशाला जाती हुआ कितने साल हो गए जब कोविड आया था फर्स्ट कोविड का लॉकडाउन हाँ। था तब मैं तीन महीने घर पे थी उसके बाद मैं अभी तक चंबा नहीं गई हूँ सारे चंबा चले गए थे जो काम है वहाँ पे रन कर रहे थे हुँ, अपना। हुँ, उसके बाद क्लोज करके हम धर्मशाला उसके बाद शिफ्ट कोविड के बाद उससे पहले वहीं पे थे लेकिन अब तो बड़ा हो गया होगा वहाँ पे भी कमर्शलाइज थोड़ा सा

तो टेंथ प्लस टू तो कर ली उसके बाद प्लस टू के बाद अब वो कह रहे करना क्या है तो पता नहीं था ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स तो बोल नहीं सकते थे कि किसी पार्लर में सीखने जाएंगे तो पता ही नहीं था क्या करना है बस इतना पता था घर वालों के इसका फैशन में इंटरेस्ट है तो वो फैशन को कहाँ जोड़ रहे फैशन डिजाइनिंग के साथ धर्मशाला मुझे नेट में ले गए की यहाँ पे फिर मैंने मैं भी बड़ी खुश महंगा जो घर से बाहर रहना पड़ेगा लेकिन मैं सोच रही मैंने कहा तो कपड़े है मेरा हाँ। तो कुछ और है समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है एग्जैक्टली हाँ। exactly, फिर मैंने सर्च किया मैंने कहा मम्मा इसको ना कॉस्मेटोलॉजी बोलते हैं और ये इंस्टीट्यूट से होता है घर पे समझाना पड़ा कि पढ़ाई भी है अपने साथ में फिर ये करते 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 कह रहे पठानकोट में कर ले चंडीगढ़ हाँ। तो भेज नहीं रहे थे को पठानकोट पास पड़ेगा पठानकोट पास पड़ेगा वो कर ले और धर्मशाला में तो तो कह रहे थे मासी रहते हैं फिर मैंने कहा अब चंडीगढ़ जाना है कैसे लगा रही थी। मैंने कहा मम्मा जाओ तो उससे पहले कभी चंडीगढ़ आए थे नहीं वो पर ना हमारे ना चंबा हलचल चलता चल था एक हाँ। सॉन्ग चलते हैं पर ना चंडीगढ़ के इतने सारे गाने इतने हाँ। सारे गाने लगता था पता नहीं क्या मजा हाँ। आ जाएगा बस एक बार जाए हाँ फिर मम्मा ने कहा कि चल अगर तेरा मन है तो देख लेते हैं लेकिन घर पे और आधा भी बनता था कह रहे नहीं लेके जाना मैंने कर लिया अपना सामान पैक मैंने कहा मैं जा रही हूँ मुझे नहीं पता फिर वो लोग मुझे छोड़ने आए हमने वहाँ से नेट पे देखा था वी से ओके उसके बाद वहाँ पे चलते 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 कुछ और मिल गया और मेरी मम्मा ने वही काउंसलिंग की वही डन किया वही पीजी दिलवाया और चले गए वापस ओके okay. वहाँ से मेरी जर्नी मतलब स्टार्ट हुई चंडीगढ़ की okay. तो वो फर्स्ट टाइम था जब आप अकेले घर से बाहर रुके है ना हाँ तो वो कैसा एक्सपीरियंस था वो बहुत बहुत ही अच्छा लगता था लेकिन जैसे

तब तो पता ही नहीं था वैसे सही बोलूँ करना गया तब तो पहले ये पता था कि चंडीगढ़ कैसे आना है तो यहाँ आने के बाद फिर कोर्स किया कितना टाइम चला कोर्स को, कोर्स मेरा दो साल चला लेकिन अच्छा। उसमें से एक साल के बाद ही मेरी जॉब लग गई थी ओके हाँ कोर्स। तो लेकिन वो तो करना पड़ा होगा ना पूरा। हाँ वो साइड बाय साइड भी चल रहा था कोर्स भी चल रहा था और उसी सेम प्लेस पे जॉब कर रही थी तो वो मतलब मैनेज हो रही थी चीजें अच्छा तो ये भी अच्छी चीज है ना कि एक साल बाद वहीं जॉब मिल जाए तो भी ठीक है कि थोड़ा खर्चा तो निकलना शुरू हो जाता है राइट तो फिर वहां पे कितना टाइम जॉब की वहां पे मैंने दो साल साल जॉब करी अच्छा तो उसके उसके बाद क्या लाइफ थी किया स्ट्रगल तो हर समय रहती है महिमा जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो स्ट्रगल तो उसी दिन शुरू हो जाती है क्योंकि अब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि घर से बाहर रहना है तो खर्चे भी है ना पैसे भी होने चाहिए और चंडीगढ़ तो वैसे ही महंगा शहर है तो क्या चल रहा था उस समय उस समय पता क्या जब वहाँ वहां हिमाचल थे तो चंडीगढ़ आने की पड़ी थी चंडीगढ़ आए तो किसी से भी बात करो ना यहाँ पूछो आप क्या करते हो मैं तो बाहर जाना किसी से भी <laughs> बात भाई <laughs> बाहर जाना यार बहुत बड़ा काम है भाई ये तो हम तो कर नहीं सकते फिर पता ही नहीं था कि बाहर जाना होता क्या अब तो पता है कि यार ऐसे फाइल लगती है ये होता है वो होता है पूरा प्रोसेस क्या तब लगता तो इसने तो बाहर जाना है यार हम तो कुछ नहीं मेरे दिमाग में भी ये घुस गया बाहर जाना है अच्छा ठीक है अब मम्मी को बोलू बाहर जाना मम्मी कह रही कैसी बातें करती है यार तुम बाहर जाना है ये करना है कभी कुछ करना तुझे कभी कुछ करना है का ऐसा कर सामान वापस आ जा हाँ, <laughs> फिर ऐसा बोल, बोला भी कोई मैंने फटाफट से फिर कोई और जॉब ढूंढी तब तो मैं घर पे करती थी फिर वर्क फ्रॉम होम किया फिर मैंने अपना बीच में फ्री भी करना स्टार्ट किया फिर जब फ्री करना स्टार्ट किया काम अच्छा चल गया नो डाउट फिर मुझे लगा कि यार ये तो करना ही नहीं है मुझे ऐसे मैनी क्यों कर रही हूँ मुझे करना ही नहीं करना है वो क्या करना फिर वो ढूंढा फिर मैंने देखा क्या करना है फिर मैंने सोचा कि मैं ना किसी कॉस्मेटोलॉजी का अप लेवल आ गया वहां पे थोड़ा मतलब मशीनरी का वर्क आ गया फिर मैंने थोड़ा वहाँ जॉब करी वहां पे ज्यादा नॉलेज ली हाँ फिर मुझे लगा कि हाँ अब मैं कुछ कर रही हूँ अब मैं कुछ कर सकती हूँ तो ये चल चल रहा था। हाँ, ये चल रहा था था ये खुद पे कितना ट्राई करते थे प्रैक्टिस खुद पे नहीं करती थी उस टाइम जैसे मेकअप वगैरह तो करते हो ना नहीं फिर वो चला गया मेरी थोड़ा जैसे मशीनरी की तरफ ना अच्छा तो हाँ, उसमें क्या होता है मशीनरी में उसमें ऐसा होता है कि जैसे किसी डॉक्टर के अंडर काम करते थे ओके तो वहाँ पे बैठ के सिर्फ काउंसलिंग करनी जैसे उन्होंने पढ़ाना हमने दूसरों को अवेयर करना ऐसे ही काम था नो डाउट अच्छी सैलरी थी अच्छा था सब कुछ वंडरफुल एक्सपीरियंस था जो भी तीन चार पाँच साल का रहा तो उसके बाद फील हुआ कि यार कुछ तो करना है ना प्रैक्टिस कर रहे थे तो और क्या चल रहा था उस समय कि अब मुझे जैसे आपने बताया कि मेरे को हर दो तीन साल बाद ना होने लगा था नहीं अब इससे कुछ बेटर इससे कुछ बेटर तो ये कब टाइम आया कि नहीं अब मुझे ये तो करना ही करना है अभी जो चल रहा है ना आपका चल रहा है आप घर पे है ना कर रहे हो तो इसकी इसको ग्रो कैसे करना है कि कभी आपने स्टेप लिया कि नहीं मुझे अब अपना ही करना है मुझे जॉब नहीं करनी अब मैं अपना ही करूंगी ये मैंने आ, मतलब सोचती तो मैं हमेशा से ही रहती थी पहले जैसे मैंने सलोन सोचा जब सलोन लाइन में थी एक मिनट ये ना बाल पीछे कर रहे वाले बस बस, बस हाँ। जब सलोन में थी तो सलोन सोचती थी फिर थोड़ा लेवल अप हुआ फिर लेवल अप सोचा कि नहीं अब सलोन अपने अप करना है बट कभी ना करने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उसके बाद शादी के बाद सोचा कि अब तो भाई पार्टनर है और कुछ नहीं तो कोई मुझे भी यहाँ तो है। है रह नहीं सकते अब कोई परमानेंट है कि जो थोड़ा अगर मतलब हेल्प कर सकता है दो तरह की सपोर्ट होती है या तो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है ना या फिर आपकी जो एक बोलते ना कि स्ट्रेस ना आए लाइफ में थोड़ी मेंटल

हां साल पिछले साल अच्छा पिछले साल ही अच्छा एक साल तो पिछले साल ही आपने सोचा कि मैं अपना करूंगी हाँ मैंने इसी साल पे स्टार्ट किया था मई 2023 में ओके okay, इसी साल तो कैसा है है अभी अच्छा मतलब कि बढ़िया सब बढ़िया चल, चल, चल रहा है मतलब सैटिस्फैक्शन है हम्म तो अब वो लग रहा है कि मैंने एक लेवल अचीव कर लिया लाइफ में नहीं अभी भी नहीं लग रहा है अभी क्या करना है

तो मैंने बस इतना मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि तू बस उतना कर ले कि जिसमें तू थोड़ा अपना पॉकेट मनी नि, निकाल ले ऐसा नहीं था कि भाई ये करना है वो करना है ये करना है तो जिस टू बी एच के का फ्लैट था टू बी ने वन रख लो तो उसी पे मैंने एक वॉल पे वॉल पेपर लगाया और एक बेड होता है जो हॉस्पिटल में होता है वो लगाया और एक मशीन रखी कि भाई इतना ही कर पाऊँगी तो साथ में ना सोफ़ा कम बेड था टॉप फ्लोर पे रहते थे और शादी के बाद थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा था तो बहुत कुछ नहीं था तो हम क्या करते थे रात को सोफा कम बेड सीधा कर लेते थे सो जाते थे सुबह उसको वो कर लेते थे और मैं काम करती थी फिर तब भी लगा मैंने कहा यार ये कब तक चलेगा फिर धीरे धीरे थोड़ा अपना मतलब काम बढ़ाया बढ़ाया क्या जो खर्चा वो निकाला क्योंकि मशीन वगैरह जो भी उसके बाद हमने अपना चेंज किया जब हमारे पास काम आया फिर हमने अपना घर चेंज किया फिर वहां पे उसको डेकोरेट किया फिर वहाँ प्रॉपर थोड़ा सेटअप बनाया और अपना काम अब मतलब बढ़िया लेवल है तो और क्या प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में किसी भी काम में काम में सबसे पहले तो आप मुझे लगता है अगर आपके पास कोई है भी ना जो आपको बोल रहा है ले पकड़ कर उसके बाद कोई ऐसा भी होना चाहिए जो बोले नहीं भी चलेगा तीन महीने तब भी भी ले ठीक हाँ। है ना तो बैकअप होना चाहिए ये ऐसा ना हो ना कि सारी चीजें हमने सिर्फ इक्विपमेंट पे लगा दी और उसके बाद हमारे पास हाँ। अगले महीने के लिए कुछ भी नहीं है कि चलाएंगे कैसे ये तो है ना बिना बैकअप के ही मतलब अभी तक चल रहा है लेकिन चलता रहेगा वो अच्छी चीज है क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो तो फिर इस चीज़ में अब हाँ, अब हम दोबारा उसी चीज़ पे आते हैं क्योंकि अब तक तो कॉस्मेटोलॉजीज है ना चल रही थी है ना और उससे पैसे भी आ रहे हैं है ना लेकिन अब सडनली आपने सोचा है कि मेरे को टैरो कार्ड रीडिंग भी करनी है ना रेकी भी करनी है तो ये क्यों माइंड में आया जैसे हमने बताया इंटरेस्ट तो था लेकिन इसको मोनिटाइज बिकॉज मोनिटाइज करना भी ज़रूरी है सी अगर शौक़ है तो इससे दो चार पैसे भी आ जाएँ तो वो भी है ना अच्छी चीज़ है कि अगर हम किसी को हीलिंग कर रहे हैं या किसी के टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो ओबियसली उससे पैसे आ सकते हैं है ना तो ये कब आया माइंड में क्योंकि एक अगर आपनेट टाइम पर भी कर, कर, हाँ, और अभी बैठी हूँ ये करना है और उठ रही हूँ ये नहीं करना ये करना है मैं जा रही हूँ वो करने इसकी हाँ. तो, तो स्टेबिलिटी नहीं है इसमें तू ना थोड़ा मेडिटेशन किया कर हस्बैंड ने भी कहा तू ना मेडिटेशन किया कर थोड़ा फिर मैंने थोड़ा अपने आप को किया सबसे अलग भी किया थोड़ा पहले बहुत पार्टी वार्टी करते थे उस चीज से भी सब चीजों से अलग किया और मैं गई स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे ना बहुत मजा आने लगा जैसे हम देखते हैं ना कि मतलब लोग कहते हैं वृंदावन जाओ ऐसा हो जाता है केदारनाथ जाओ ऐसा हो जाता है तो मैंने सोचा यार एक बार जाके देखते हैं क्या पता कुछ हो जाए देखो एक तो थोड़ा हम अट्रैक्ट भी होते हैं रील से और एक हम उसे इम्पलीमेंट भी करना चाहते हैं हाँ तो मैं गई पहले वृंदावन ही गई मैं ना तो जब मैं वहां गई मुझे एक अलग सी पावर फील हुई कि हाँ कुछ है पॉजिटिविटी है, फिर मैं वापस आई फिर मैंने सोचा मैंने कहा नहीं यार ये कुछ भी नहीं है जो हम कर रहे हैं हम दिखावा कर रहे हैं कि ठीक है एक तो स्ट्रगल भी कर रहे हैं और स्ट्रगल ना दिखे तो उसके लिए दिखावा भी कर रहे हैं तो हुँ. मुझे लगता है कि शायद हमें एक बार दिखावा छोड़ना पड़ेगा अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो यही दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं कोई इसमें शर्म नहीं है नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो तो सही बात है तो उसके बाद फिर मैं केदारनाथ भी गई फिर जब वहां पहुंची तब वहां से भी ना एक एनर्जी फील हुई कि ऐसे लगा कि मैं तेरे साथ हूँ बोला hmm. ऐसे फील हुआ कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ तू आगे कर मैं तेरे साथ हूँ फिर धीरे 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 करते 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 जो मेरा सारा ध्यान है वो काम में और अपने घर पे और स्परिचुअलिटी की तरफ चला गया बाकी मैंने साइड कर दिया तो कभी लो फेज भी आता है लाइफ का आया मुझे लगता है अगर साल दिन में 24 घंटे होते है उसमें से पांच छह घंटे तो आप लोअ फील करते ही करते हो चाहे आप जितने मर्जी कुछ अप कर रहे हो अगर आप 10 मिनट भी अकेले बैठ गए ऐसे तो आपको एक मिनट को लगेगा यार मैं सही तो कर रहा ना कुछ हो तो नहीं जाएगा ना कल तो अकेले तो, अकेले बैठते वैसे खुद पूरा दिन मतलब अकेले ही होते हैं बट हाँ अकेले बैठ के अपना माइंड डाइवर्ट करना आप सीख लिया अब ये है की आप नहीं फील कर बिल्कुल भी नहीं आती है पहले होता था ऐसे लगता था यार कोई कुछ बोलेगा सुन लेंगे अब ऐसे लगता है कि उसको बोलेंगे बोल तो ऐसी ऐसी बोल। अपना कुछ नहीं कह रही मैं माइंड का कह रही हूँ कि अगर कोई सारी गेम ही माइंड की है, है। तो अब उतना माइंड का है कि मैं क्लियरली किसी को भी ना भी कर सकती हूँ और अपना पॉइंट भी रख सकती हूँ राइट वो अच्छी चीज है मेडिटेशन तो वो जब भी मैं अकेले हूँ देखो मैं ऐसा झूठ भी नहीं कहूँगी कि मैं पूरा दिन बैठी रहती हूँ मेरी मेडिटेशन वो होती है कि जब मेरे पास कोई नहीं है या जब मेरे पास स्ट्रेस है तो मैं अपनी चेयर पे बैठी हूँ चेयर पे ही बैठ के अपना जो मतलब मेडिटेट किया जिसको जो सिखाया सी, है उस चीज़ को फॉलो किया बस या कई बार मुझे लगे आज मैंने ज्यादा क्लाइंट्स कर लिए हैं इसके टैरो के कर लिए हैं या मेरे से किसी ने क्रिस्टल हीलिंग करवाई है तो मेरा उस टाइम पे सच में इंबेलेंस हो जाता है माइंड रात तक कि क्या हो गया घबराहट होने लग पड़ती है तब भी मैं अपना साइड पे बैठ के बस अपना मेडिटेशन लगा के कि भाई अब सब सही है सब सही है सब सही है और नेक्स्ट मॉर्निंग सब सही हो जाता है जो जब माइंड को अपने को ट्रेन करो हाँ। कि हाँ सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है ना तो वो ऑब्वियसली ठीक होगा अगर हम सोचेंगे नहीं गलत है गलत है गलत है फिर वो गलत ही होगा तो ऐसा भी होता है महिमा कि जो टैरो हैं जो कार्ड्स हैं वो नेगेटिव एनर्जी पे काम करते हैं देखो निगेटिव एनर्जीटिव या पॉजिटिव दोनों हाँ, पे काम करते हैं दोनों एनर्जीज पे काम करते हैं इसमें डिपेंड करता है देखो इसको ना ये कोई हमारा इंडियन स्टडी नहीं है okay. ये हमारी जापानीज स्टडी है हुँ. और ये सेवेंटी परसेंट इसकी प्रडिक्शन सच होती है और okay. बाकी नहीं भी होती मतलब ठीके. अगर मैं आपको दस चीजें बता रही हूँ मे भी पांच हो सकती है खुद के क्लाइंट्स है मुझे कह रहे हैं जो जो तूने बताया वैसा वैसा सच में हुआ है कुछ नहीं भी हुआ कुछ हुआ है ठीक है अब इसमें भी क्या होता है कार्ड्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा आया, ना दो तीन बार कभी करवा के देखे है ना, ये, ऐ, ऐ, ऐसे. तो अगर मैं लो फील कर रहा था ना तो मेरे कार्ड ना थोड़े से नेगेटिव आए और जब मैं खुश था जैसे मैं एनर्जी होती है आपके अंदर आप अच्छे अच्छे उसमें बैठे हाँ चलो करते करते है ना आपको कुछ जानना नहीं है वैसे ही आप कर रहे हो तो कार्ड्स अच्छे निकले लेकिन जब मैं वाकई सोच के गया था कि मुझे करना है तो उसमें आया कि नहीं आपका लो फेस चल रहा है आपके तो मैंने देखा कि वो एनर्जी पे आप वैसे ही कार्ड चूज करते हो देखो, एनर्जी तो मैटर करती करती है लेकिन ऐसा मतलब मैं थोड़ा सा इस चीज को ना ब्रीफ ओके okay. कि अब आप मेरे पास आए हो आये होना आप अभी अपना काम कर रहे हो मैं अपना काम हाँ। कर रही हूँ आप एकदम से मेरे पास आए कि यार महिमा मेरी टैरो टेरिंग कर दे आपको देखूंगी भाई बंदे में तो पूरा हाँ। हाँ। आया मेरे पास तो आओ तो मैं आपको मैं भी आपको देखूंगी और आप जो मुझसे क्वेश्चन करोगे उसको उसी वे में बताऊंगी जिस वे में आप बता रहे हो हाँ। लेकिन अब एक कार्ड का पॉजिटिव मतलब भी है नेगेटिव मतलब भी है लव में कुछ और आता है करियर में कुछ और आता है आपके यस और नो का क्वेश्चन पूछोगे तो और आता है

<laughs> तो ये तो रहता ही है है आपके पे रहता मान लो लो आप आप अभी फेस में हो तो आपका वो आ गया कि तुम्हें पंद्रह दिन के बाद कुछ गुड न्यूज मिलेगी तो तुम वैसे खुद भी पॉजिटिव राइट राइट तो और क्या क्या करना चाहिए सी जैसे आप कार्ड किसी का नहीं। नहीं। आया है ना तो फिर उसको आप क्या बोलते हो कि क्या करे वो अगर कुछ चेंज करना लाइफ में तो Uh, कोई भी है है ना अगर आप स्टाइलिस्ट के पास जाते हो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो या आप किसी इंटीरियर डिजाइनर के पास वास्तु कहीं भी जाते हो वो आपको अपनी नॉलेज शेयर करता हाँ। है आपको रेमेडी शेयर करता है कोई अगर हमारा फ्रेंड भी है एक एग्जांपल देती हूँ सुसाइड हुँ। करने जा रहा है एक बार हम उसको रोकेंगे ना बिल्कुल 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 तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको बताऊँ कि तेरे को ये ये सही है तेरे को ये ये गलत है लेकिन यहाँ पे एक तो अंधविश्वास कहते हैं ना जैसे कि पता नहीं क्या बोल रही है क्या कर रही है तो लोग सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं अगर उनको कोई रेमेडी दे दो ना कि तो हीलिंग कर रहे है। या तो सुबह जाप किया होगा तो कुछ ऐसा कर देखे काला जादू नहीं सीखा तो सही बात है कि, सी, आपको करना पड़ेगा हाँ। ना दवाई डॉक्टर दवाई देता वो खुद तो ना खाते आप खाते हो ना तो डॉक्टर तो आप तो बता रहे हो किसी ये वाला जाप किया करो

कि मैरिज होगी या नहीं होगी है ना नहीं कि मैम हमारा बॉयफ्रेंड है वो हमें भाव नहीं देता आप कुछ ऐसा कर दो कुछ ऐसा कर दो वो हमसे शादी ना करे पर वो हमें साथ रखे फिर मनो ये भी समझाते है क्या सही बात है मतलब इस तरीके का क्लाइंट ज्यादा आता है मन करता है यार तू मुझसे रीडिंग मत ले तू मेरा नाम खराब कि यार मैं तो यहाँ कुछ और ही कर रही हूँ लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि सी आपने पूछना तो कुछ के बारे में हाँ। पूछो अपनी हेल्थ के बारे में पूछो अपनी में फैमिली के बारे में पूछो आप हाँ। ये चीजों में मैंने भी यही देखा है ना वो केबल पे भी अखबारों में भी जाती है लव मैरिज वाले मैं सोचती हूँ की कई बार जैसे शेयर करते हैं ये चीजें तो मुझे भी लगता है यार ये नहीं करना चाहिए और मतलब मजाक मजाक में कई बार मेरे हैं तू भी ना ऐसी दे दे, अपना खोया प्यार वापस पाए। नहीं यार ये सब नहीं हो सकता। हाँ, सही बात हाँ। 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 और वो है मुझे इस पे बहुत ज्यादा बिलीव है मैंने खुद में चेंज देखे मैं इस चीज के डीप गई कि क्या हो सकता है ये आया कैसे फिर मेरे को ये करनी है क्रिस्टल हीलिंग क्रिस्टल हीलिंग करनी है मैंने सब मैं चाहती थी कि मैं सबसे ज्यादा नेचुरल वे ढूंढूँ हील करने हील करने का okay. तो ये सबसे ज्यादा नेचुरल वे यही है लेकिन इसके लिए तुम्हारी एनर्जी भी पॉजिटिव थोड़ा तुम्हें भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा अगर तुम्हें किसी चीज का रिजल्ट चाहिए okay. तो, क्योंकि एवरीथिंग टेक टाइम्स इंस्टेंट तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा तुमने बस ब्रेसलेट पर ना तुम्हें फोन आ रहा है वो नहीं तुम्हें खुद में भी पेशेंस चाहिए इस चीज के लिए इस चीज का जुड़ने के लिए करने वाले को करवाने वाले को मानने वाले को सिखाने वाले को सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा

मैं मतलब जो ना दिल्ली से आई थी अभी गई थी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली तो जब मैं वहां से ना आई बहुत नेगेटिव ने, नेगेटिविटी हो गया क्योंकि दो तीन चार काम मेरे मतलब लग, लगातार हो रहे हैं कई नहीं दलत, अच्छे हो रहे थे okay. और फिर हो गए फिर कई बार मुझे लोगों ने भी बोला कि यार तू ना ऐसे नहीं मतलब एक होता बंदा ऐसे 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 जा रहा तू ऐसे नहीं जा रही तू सीधा ऐसे जा रही है तो फिर मुझे भी लगा मैंने कहा यार देखो चाहे मैं ऐसे जा रही हूँ चाहे मैं ऐसे जा रही हूँ चाहे मैं ऐसे जा रही हूँ बट मैं किसी गलत काम से तो नहीं जा रही ना एफर्ट कर रही हूँ कुछ अब मैं कुछ क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा बट जो भी अच्छे वे में ही आगे जा रहे हैं तो उसमें क्या बुरा भी क्या है सही बात है है ना अब अब इतने टाइम से नहीं गए भगवान ने कुछ सोचा तो जा सही बात है रहे हैं। इतना इतना चले 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 चल तो, तो तो रहा है ना ना वो तो देखो अब हम स्टार्टिंग से कर रहे थे अगर मैं सोचती की मैं टू में ही आई हूँ तो पहले मैं इमिग्रेशन में जॉब करती थी मैं इमिग्रेशन में करती रहती पार्लर में जॉब करती पार्लर में करती रहती तो अपना अपना स्टेप तो खुद ही ढूंढना सही बात है ऊपर तो खुद ही होता है ना कोई आके ये नहीं बोलेगा किसी महिमा हाँ, मैंने तेरे लिए सब खोल दिया हाँ, पकड़ चाबी हाँ, जा काम सब ऐसा, तो ऐसा तो नहीं हुआ हाँ। फिर मैंने उस चीज़ पे पहले अपने आप की अच्छा। तो कर... बाकी हम बाकी कुछ नहीं देख सकते मतलब देख भी सकते लेकिन मैं नहीं देखती क्योंकि इससे भी तो किया उसके बाद मैंने देखा कि मतलब इतनी ब्लॉकेज खत्म हुई कि 10-15 मिनट के बाद ही जो मेरा काम जो मुझे लग रहा था नहीं होने वाला है वो हुआ सबसे पहले तो वो हुआ

Okay. उस प्लेनेट को स्ट्रग करना होता okay. है उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग आपका हमें ब्रेसलेट जैसे ये स्टोन है कौन सा स्टोन चाहिए आपको right. वो मुझे उस अकॉर्डिंग देना पड़ेगा फिर वो आपकी उस चीज को हील करेगा ओके okay. है ना कईयों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है।, है या कईयों को सिर्फ लव में प्रॉब्लम है कईयों को मिल नहीं रहा तो ये चीज है कि हम इसे एज ए गुड लक दे सकते जैसे जॉब नहीं मिल रही या और करियर में कुछ प्रॉब्लम्स तो आया, आया हो, और तुम हो या तुम अपनी एनर्जी नहीं चेंज कर रहे ठीक है मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ सबको कि अगर तेरा सब बच्चा है भाई कि तेरा सब बच्चा होने वाला है तू ओवर एक्साइटेड में गाड़ी लेके निकला घूम रहा गाड़ी मेरा तो सब बच्चा होने वाला है और तेरा बाई चांस भगवान अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो जो तेरे साथ अच्छा होने वाला था ना जो तेरे कैरियर में वो तेरे को बचाने में निकल गया वो जो एनर्जी थी अच्छा आराम अच्छा हाँ। हाँ। कर तो अच्छा से, हाँ। से करो आराम से करो एक्साइटेड ना हो एक्साइटेड खुद को हार मत करो और अब ये है कि वही की एनर्जी तुम्हें अब आप ये कहना चाहते हो जैसे कि आपने बोला कि यार निखिल तुम्हारी ना ये वाली जॉब लग जाएगी हाँ। और मैं शाम को पार्टी करने निकल कर गया ठीक हाँ। है और मैं वहां पे पार्टी कर रहा हूँ और आते हुए मेरे साथ कोई हादसा होना था हाँ। लेकिन वो टल गया हाँ। उस एनर्जी हाँ। की वजह से है हाँ। हाँ ना वो लेकिन वो सारी एनर्जी उस हादसे को टालने में चलेगी चली तो वो अच्छा काम तो होगा नहीं क्योंकि बिकॉज एनर्जी तो वहाँगा हाँ वो एनर्जी तो वहां चलेगी ऐसा ही है ऐसा ही है अब जॉब का भी देख लो बिजनेस का भी देख लो आपके सामने दो रस्ते हैं ठीक है अब आप दोनों में से क्या सिलेक्ट कर रहे हो एक एक है कि तो तुम्हें ऐसे चलना है तो तुम ऐसे जाओगे एक है कि तुम्हें फास्ट चलना है तो हम ना मैक्सिमम टाइम जो ज्यादा फैंसी दिख रहा होता है या ज्यादा कम्फर्ट जोन पे दिख रहा होता उसको है उसको उठाते हैं अब अगर तुमने वो उठाया और तुम्हें लग रहा है कि हमें तो बोला है कि तेरा अच्छा होगा तो ठीक है वो तेरे साथ बुरा होने वाला है लेकिन वो कुछ टाइम तक टल रहा है टल रहा है टल रहा है तो तेरी एनर्जीज वहां चली गई है तो इन सब का मतलब ये नहीं है कि बैठ जाओ इन सब का मतलब यह है कि और मेहनत करो और अपने आप को पॉजिटिव करो ताकि जो तुम्हारे साथ कुछ होने भी वाला है वो तुम्हारे साथ अच्छे वे में हो ये ना तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में खत्म होता रहे अच्छा होना भी राइट तो अच्छा ये भी चीज है कि अगर हाँ? वो अच्छा हो रहा तो वो डिले हो सकता है इसलिए भी हो रहा है क्योंकि तुम अपने साथ और गलत करी जा रहे हो तो उनको वो टालने में एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं हो रही हैं ऐसा ही राइट तो ऐसा भी होता है कि गार्डिंग एंजल्स हमारे साथ रहती है इतना तो मैं बता नहीं सकती देखो लेकिन ऐसा होता है क्या कि कि हमारे आसपास रहता है कुछ इस टाइप का जो हमें प्रोटेक्ट करता। उसी ने तो उसी की वजह से उसी, की वरे उसी, वरे उसी एनर्जी की वजह से तो फिर ये थर्ड चीज कैसे अब इंट्रोड्यूस हो रही है लाइफ में ये दिमाग में करनी है मतलब की ये तो ना चलता रहता वो ही है वो थोड़े टाइम के बाद लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया लेकिन थोड़े दिनों बाद ऐसा तो नहीं है कि, कि महिमा टिका टुका लगा के बैठी हुई नहीं पर मैं मुझे तो कई बार लगता भी है कि मैं ही ना इस चीज में चली नहीं नहीं, नहीं नहीं लेकिन अच्छी चीज आजकल बहुत ज्यादा इसका हाँ, तो पाम रीडिंग नहीं सीखी पाम रीडिंग नहीं सीखी मैंने मुझे लगता है इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए मतलब ना पाम रीडिंग भी मैंने मैंने बीच में सीखी सीखी okay. लेकिन जो अब देखो पाम रीडिंग की भी मैं बात बताती हूं आपको हुँ. जब मैंने सीखी ना तो सबसे पहले मैंने अपना ही हाथ दिया अच्छा जो मेरा टीचर था कि तू मेरी घर उसने ना मुझे बोल दिया कि तेरी लाइफ कम है ठीक okay. है और <laughs> टेंशन में डाल दी और हस्बैंड की भेजी उसको बोल दिया तेरी लाइफ ज्यादा है मैंने कहा मेरी कम है इसकी ज्यादा है पक्का दूसरी शादी करेगा ठीक है तो अगले दिन मेरे हस्बैंड लाई तू बैठ तुझे कोई काम नहीं बोलूंगा मैं तू बस सही रहना तू सही रहना मुझे लगा कि यार देखिए मैं पाम रीडिंग भी करूँगी टैरो भी करूंगी मुझे सिर्फ लिंक वाली चीज करनी चाहिए अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही नया कंसेप्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्रशन कर सकता है कि आपके नंबर में क्या और मैंने अभी मैं सीख ही रही हूँ मतलब मेरा अभी हो जाएगा सब okay. मेरा सॉफ्टवेयर वगैरह एवरीथिंग चल रहा है okay. पांच छह दिन में सब ओके okay हो जाएगा उसके बाद आ, मैंने ये चीजें करी अपने नंबर पे करके देखी कि हाँ hmm. ये प्रॉब्लम है फिर मैंने

क्रिएट कर रही है उसको तुम कट कर सकते हो ओके okay. तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं उसके, उसके लिए, लिए भी ऑप्शंस हैं। ओके तो और कुछ बताओ मुझे इस रेकी के बारे में रेकी भी करते हो ना आप हु. तो रेकी में थोड़ा सा और बताओ मेरे को क्योंकि इसमें और

साइकोलॉजिस्ट का काम भी कर रहे हो कि उनको पॉजिटिव करना है ना कि हाँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा ना? है तो कोई बात नहीं ना ऐसे भी बता ही हाँ, रही हूँ बोलेगी शादी करे ना करे वो हमें रख ले तो मैं अपने कार्ड साइड करती हूँ ये छोड़ पहले मेरे ऐसे बात कर वन टू वन की तू ये क्यों सोच रही है क्या मतलब तू अपने आपको इतना डिग्रेड कर रही है सही बात खुद उठो खुद थोड़ा सा कुछ बनो तो प्यार के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है यार हाँ, अभी तो कम से कम अपना करियर बनाओ उसमें ज्यादा है ना ये क्या कि वो मेरे को शादी ना करे साथ रख ले ये क्या मतलब हुआ हाँ कि वो कहीं और भी शादी कर ले बस हमें फोन करता रहे तो मैं फिर उनको समझाती भी हूँ खुद भी समझ समझाना उनको भी समझाना हाँ, बेसिकली देखो जब तक हम जॉब कर रहे होते तब तक हमारी ड्यूटीज अलग होती है अब मेरी ड्यूटी है मैं फ्री माइंड हूँ अपना बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे पास कोई बैठा है तो मेरा मैक्सिमम यही रहता है यार मैं इसको ना कुछ अपने आप से कनेक्ट करके पॉजिटिव करके भेजू बिल्कुल बिल्कुल इसको कुछ ये ना भेजू अब स्किन के काम में भी लोग इतने इतने व्यायाम आ जाते हैं सुंदर से सुंदर लड़की बोलती है नहीं हमें ये प्रॉब्लम है सुंदर से सुंदर लड़की कहती है हमारी शादी नहीं सुंदर हो सुंदर, सुंदर कहती है स्किन में उनको क्या आ, प्रॉब्लम है वो ऐसे शीशा पकड़ के इतने शीशे का जूम कर देख देख महिमा कुछ है यहाँ मैं बोलती नहीं दिख रहा नहीं तू देख तू देख है मतलब इस तरीके के भी आता तो मैं उनको भी पॉजिटिव करती हूँ मैंने कहा यार मुझे पैसे कमाने तक ही मतलब नहीं है और थोड़ा सा उस पर बात करता हूँ कि स्किन पे हमें ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए प्रोडक्ट तो देखो प्रोडक्ट की बात तो अगर आप एक राइट right यूज कर रहे हो तो वो एक राइट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैक टैरो की एक्सेस पैड है खाने की एक्सेस पैड है स्किन की है. कुछ भी अगर एक्सेस में कर रहे हो और वो तुम सिर्फ अपना मूड ठीक करने के लिए कर रहे हो कि आज मेरी लड़ाई हुई है आज तो मैं इतना पैसा लगाऊंगी अपने आप पे तो नहीं वो ग्रॉन्ग है वो तुम्हें फर्क नहीं देगी चीज़ हर चीज अपनी लिमिट में करो एक अपना रेगुलर वे में करो कि हाँ मेरे को मंथली फेशियल लेना चाहिए या मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है जैसे हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम होती हाँ, है उसको कैसे दूर करें वो लेजर से हो जाती है अच्छा हाँ तो अगर तुम्हें कोई एग्जैक्ट जेनुअन प्रॉब्लम है देन वो बोलता, ये है वो, मैं बोलती, कुछ भी नहीं, है भाई, नहीं करूंगी मैं, मैं नहीं करूंगी कि ऐसे ही नहीं करूंगी मैं ऐसे नहीं करूंगी तुम्हें जरूरत तो करूंगी तुम्हें जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करूंगी तो कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए स्किन के लिए प्रोडक्ट तो अगर से रेकमेंडेशन लूं तो वो कौन से मेरे को प्रोडक्ट रेकमेंड करेगी कि ये स्किन के लिए बेस्ट है टेस्टेड जो okay. जिस पे टेस्ट हुई होती है पूरी ठीक है okay. अगर आप जाओगे तो सबसे पहले तो स्किन चेक होगी ड्राई है ऑयली है कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट होंगे और आजकल तो फैंसी चीज इंस्टाग्राम किसी भी चीज को फेमस कर देते हैं हाँ। कई बार हम किसी रॉन्ग चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे एलर्जी भी हो सकती है एलर्जी भी हो सकती है ओके तो ऐसा होता है कई आए हैं हैं क्लाइंट क्लाइंट कभी कोई बोला आते कई फॉल्स फॉल्स चीजों से काफी अट्रैक्ट होके खराब करके सब कुछ वो भी आते हैं और जो ब्लीच करते हैं लोग वो ब्लीच इज ठीक है या नहीं ब्लीच है? डिपेंड है अगर आपकी स्किन पे सूट कर रही है ठीक है अगर गे. आपको उस चीज की जरूरत है तो ठीक है अगर आपकी स्किन पे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है और कहीं होगा ना माइंड मा, मतलब वही क्या ब्लीच बेसिकली करती क्या है ब्लीच क्या होती है केमिकल एजेंट होता है hmm. वो आपके बालों को ब्राउन करती है स्किन को फेयर करती है okay. एक तरह से बर्न करती है स्किन को okay. हाँ. तो वो ठीक नहीं है मेरे काँपे? वो ठीक वो ठीक है भी अगर सूट कर रही है अगर वन से ना नाइनल कर रहे क्योंकि पहले जब ये सब नहीं था तो ब्लीच ही था hmm. अब कई बार ब्राइडल्स आ जाती है उनका वो ब्लीच भी करती हैं फिर उसके बाद वैक्स भी करती हैं उसके बाद उनको प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ जाती है मतलब वो किसी भी ऐसे लगता है कि कोई भी अगर कुछ कह रहा है कर दे तो वो कर लेते हैं बस की हमें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पंगे उस पे पंगा हो जाता है तो वैसे क्या करना चाहिए स्किन को हेल्दी रखने के लिए फेस स्किन को अच्छा खाना चाहिए अच्छी स्लीप लेनी चाहिए अपनी डाइट अच्छी वो तो चाहिए ही है हाँ, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और हल्का हल्का अपना स्किन केयर करो सनस्क्रीन लगाओ बस इतना है इतना इतनी चीजों में घुसने बेसन मिट्टी देखो अब तो ये सब भी ओरिजिनल नहीं आता हाँ, बेसन भी ओरिजिनल नहीं तो ये सब भी हाँ अगर ठीक है अगर कोई तुम्हार को है जो उस चीज को ओरिजिनल तुम्हें पता है कहीं से इनसेन हो रही है वहां से तुम ले रहे हो तो ठीक है

Okay. स्किन ना तो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है आपके ओके 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 ये अच्छी चीज है अगर ड्राई है तो आपके क्रीम ड्राई है तो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है ऑयली है, तो है, तो okay. है, है, है तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट है okay. ये आपके इंबैलेंस स्किन का पीएच को बैलेंस करने के hmm. लिए होता है और अगर अगर आपको कुछ नहीं करना तो पानी ज्यादा पियो बस हां ये तो मैं सबको यही कहूंगा पानी ज्यादा पियो पानी पीने से वैसे तुम हाइड्रेट रहते हो हम यस अब तो मेरे को लगता है महिमा भी खुद बहुत पॉजिटिव रहती है 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 ना मैं तो बहुत पॉजिटिव 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 तीन न? दिन हो गया मैं मैं इतना कोई काम नहीं फिर भी मेरे को सब है। सही बात है। और जब मैंने महिमा का वो देखा ना तो इस पे इसने हर तरह की चीजें डाल रखी है इंस्टाग्राम पे ना आजकल तो टैरो भी चल रहा है हाँ। कहीं पे फैशन भी चल रहा है कहीं पे वो टेक्नोलॉजिस्ट और वो है ना चल रही है तो हर चीज चल रही है ना अभी ठीक ठाक दिमाग में आ जाए बनाओ और डाल दो नहीं अच्छी चीज है और घूमने का कितना शौक है घूमने का तो बहुत ही शौक था मतलब अगर ना कोई मेरी शादी से पहले वाली प्रोफाइल देखे और अब देखे बोलेंगे इसको क्या हो गया लड़की हाँ। को हाँ, पहले तो मुझे बहुत ही था पहले तो नहीं था इन सब की तरफ ध्यान बिल्कुल पहले ऐसा लगता था क्या यार, ये कौन है चल उठो बोलना है एज के साथ भी और तुम्हारा मुझे लगता है जब ना तुम अकेले होते हो ना तुम ये चीजें नहीं सोचते हमारे कर्म हमारे एक्शन hmm. लेकिन जब तुम मैरिड होते हो families का कुछ भी ऐसा hmm. तुम्हें लगता है कि यार अगर मैं ये करूंगा, तो इसको भी इफेक्ट पड़ेगा hmm. साथ में. Right, right, right. पहले होता ठीक है बोल रहे थे चल तो चल hmm. ये कर वो अब नहीं अब नहीं अब तो नहीं बिल्कुल नहीं, जीरो. Hmm. तो अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी हाँ, आ रही है आ रही है ये शादी के बाद ना। ना, ना। ना, <laughs> मुझे आपको आपका अगर अगर पार्टनर देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता ये भी मुझे क्लियर हो चुकी है अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना कोई आपके पास दोनों ही नहीं है ना पैसा है ना लाइफ पार्टनर अच्छा है फिर तो डिप्रेशन ही होगा ना फिर और क्या होगा अगर आपके पास पैसा नहीं लाइफ पार्टनर अच्छा जो सपोर्ट कर रहा है फिर मेरे को लगता है आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व है है ना और लाइफ पार्टनर आपका सपोर्टिव है ना वो वो सब कुछ ना एक्स्ट्रा वो ओवर केयरिंग है वो, है, वो उत, उतना भी मतलब अच्छा होना ना एक <laughs> प्रॉब्लम हो जाती है ओवर ओवर अच्छा <laughs> होना भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी अगर लगता नहीं नहीं मैं उसको सिर्फ इतना बोलती हूँ कि इतना सीधा नहीं रहते आज के टाइम में बस वो थोड़ा ओवरसिक्ड है बाकी तो ही इज अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन नहीं वो एक्चुअली क्या है वो उसकी भी नेचर है हां उनके हा, नेचर है वो किसी को हार्म नहीं कर सकते वो अपनी नेचर है वो उसको वो उसी, वो भी अच्छी चीज है है ना प्रोटेक्टिव होना भी अच्छी चीज है वो भी किसी-किसी में आजकल नहीं तो आधे लोगों में तो वो भी नहीं है वो भी नहीं है ना सब आजकल अपने बारे में सोचता है कोई इनफैक्ट अब अब ज्यादा ब्लेस्ड फील होता है पहले कम होता था अब ज्यादा ब्लेस्ड फील होता है जब ये बात सुनती हैं ना वो हमसे शादी ना करे फिर भी साथ रख ले इनफैक्ट हाँ, तो, खुद को लगता है कि यार कम से कम मेरे वाला तो अच्छा है यार इनफैक्ट हाँ। <laughs> हाँ। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी कमिटमेंट में हो ना अगर देखो कोई भी आप फ्रेंड्स हो मैं रिलेशनशिप की हम बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स हैं अगर तुम प्रॉब्लम में हो फ्रेंडशिप में ज्यादा होता है कि बंदे को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है है ना कहीं जाना आना है या कहीं खड़े होना है तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है मैं बिजी हूँ और कभी नहीं खड़े हो रहा तो उसको बाय कर दो ठीक है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो कह रहा है नहीं मैं सकता तो सकता पिला सकता, ये कर सकता वो कर सकता बट मैं तेरे ब्याह नहीं करा सकता उसको, उसको, उसको है बोलो ठीक है भाई बाय टेक केयर और ये सब में होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट तो सब में होनी चाहिए सब में होनी चाहिए मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसकी कोई कोई भी भी बात बात मान मान आप मतलब मैंने तो अपने हस्बैंड के आगे एक ही बात रखी थी शादी करनी है तो हाँ बस तो है तो कुछ भी नहीं है तो हमारी तो फिर पंद्रह दिन में शादी होगी सही है ना हाँ। मंगलीक थे दोनों की कोई दो टेंशन भी, हाँ। भी नहीं आना ढूंढना हाँ। भी नहीं पड़ा तो शादी क्या की चंडीगढ़ आग... या हमारी चंडीगढ़ भी हुई है धर्मशाला भी हुई है दो जगह हुई है तो वहाँ पे धाम की थी धाम नहीं हुई धाम पेंडिंग है धाम पेंडिंग है, वैसे होती है धाम धाम होती है धर्मशाला में धर्मशाला में भी वैसे आपकी चंबा धाम होगी हो चंबा धाम तो बहुत उसमें क्या क्या होती है हाँ वो तो मैं अभी मेरी ना एक एम्प्लॉय छुट्टी पे है तो अच्छा। चंबा गई हुई है मैंने उसको बोला तू तो कुछ लाएगी नहीं लाएगी चंबा धाम जरूर लेके आया हाँ। चंबा धाम में होता है आपकी मुग्गी की दाल होती है अच्छा माँ की दाल होती हाँ। हाँ। है सबसे फेमस होता है वहाँ खट्टा बूर हाँ। का बूर का खट्टा होता है बूर क्या होता है बूर वो हलवाई नहीं डलते बेसन के बूर जो कड़ी में भी डलते हैं बड़े बड़े वो बूर उसका उसका खट्टा होता है और मीठे चावल होते हैं okay. खट्टी कड़ी हाँ ये ये hmm. बहुत सही <laughs> अरे वो मैं जाता हूँ ना हिमाचल तो वहाँ पे इतनी सारी चीजें होती है ना जैसे हमीरपुर ना मेरी बुआ रहती है हाँ। तो वहाँ पे ना मीठे में मिलती है बूंदी और चाशनी मिक्स करके हाँ, वो भी खट्टा ही होता है एक तरह अच्छा वो भी खट्टा ही है हाँ, उसको जैसे एक चाशनी मीठा वाला होता है मीठा और मिर्च वाला एक सिर्फ मीठा वाला हाँ मीठे हाँ। वाला हाँ। तो वो चावलों के ऊपर ना थोड़ा सा लास्ट में बचा लेते हैं चावल तो पहले ना मेरे को पता नहीं खाते हाँ पत्ते में पत्ते में अब तो पत्ते नहीं रहे अब तो प्लेटें आ गई है ना तो वो क्या हुआ पहले मैं चावल सारे खा गया तो मेरे को नहीं पता था कि लास्ट में मीठा भी आएगा तो उसके लिए भी चावल बचाने होते हैं हाँ। तो कह रहा है ये चावल मैंने ऐसे ही डाल दो अब तो हाँ। मेरे को मेरे कजन ने बताया कि भाई ये चावल थोड़े से बचाते हाँ, हैं हाँ। उसके ऊपर फिर वो मीठा डालते हैं हाँ। तो आप वो चावलों के साथ को खा। बट आप अगर चा, मतलब धाम की बात कर रहे हो ना हाँ। तो चमेली धाम भी है अच्छा हर हाँ जगह की अलग अलग अलग, अलग हाँ हर जगह की अलग अलग होती है धर्मशाला की अलग है शायद हमीरपुर में होती मिलती जुलती हाँ, है, है थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं लेकिन धाम है, बहुत फेमस है तो हिमाचल कितना घूमे हो हिमाचल मैं जब हिमाचल में थी तो मैं हिमाचल नहीं घूमी हूँ जब मैं चंडीगढ़ आई तब मैं हिमाचल क्या क्या देखा मैं मनाली गई गयी मैं कसोल गई गयी मैं शिमला गई गय कसौली गई हूँ कसौली तो ये रहा आजकल तो वो लोकली हो रखा है चंडीगढ़ नहीं तब नहीं था ना जब मैं हमने शुरू शुरू में गए और तो याद भी नहीं आ रहा और मैं चहल गई हूँ सोलन गई गय खजियार खजियार ढलोजी तो, तो हमारे तो, वही हाँ। वहाँ तो हम पिकनिक में जाते थे मैम स्कूल का थैला पकड़ के पैदल ले जाते थे खजियार अच्छा तो। इतनी पास था हाँ पास ही है बहुत ज्यादा दूर नहीं है खजियार मतलब हमारा वहाँ से शॉर्टकट से निकलो तो वहाँ इतनी ज्यादा दूर नहीं है तो कैसा लगा आपको मेरे से बात करके बहुत अच्छा लगा मजा आया मजा आया मैं बस यही है कि जो आप कर रहे हो ना वो करते रहो और ये क्रिस्टल हीलिंग वाली चीजें और ये चीजें ना बहुत अच्छी हैं

नहीं अच्छी चीज़ है और इससे खुद बंदा बहुत पॉजिटिव होता है ना हाँ अगर तुम्हारे ये सुन भी रहे हो तब भी तुम पॉजिटिव ही फील ये, करोगे यस यस बहुत अच्छा लगा और आई होप कि जल्दी आप इन चीज़ों में और एक्सपर्टीज करो ना फिर मैं एक दिन आऊँगा आपके पास टैरो कराने थैंक। 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 ना फिर वो मोबाइल भी देखेंगे कि मेरा नंबर ठीक है नहीं है नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है ना आपका नंबर है ही है मैं वो लिस्ट बना के भेज दूंगा ऐसे मत भेजना मेरे को टेंशन हो जाएगी नहीं नहीं कहीं पता लगा मैं ने कहा निखेल तो ना ये प्रॉब्लम है नहीं 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 मैं अब अब नहीं होता मैं अब ना मैंने एक वो कर लिया है लाइफ में ना कि पहले तो हो जाता था कभी कभी ना कि अप्स एंड डाउन होते रहते हैं लेकिन अब नहीं ठीक है आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है जो होगा वो देखा जाएगा है ना बट थोड़ा ना नेगेटिव रहना भी जरूरी है हाँ, वो जो आपने कहा कि थोड़ा वो ऐसे, तो हाँ, ऐसे बैठ जाओ हाँ, की एनर्जी एनर्जी हाँ। थोड़ी सी आपकी है ना नहीं नहीं, हाँ, नहीं 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 एनर्जी खुद की के लिए वो एक ना एक बंदे ने बड़ी सही बात बोली तो कह रहा है आप जब पहाड़ी पे चढ़ते हो तो कैसे चढ़ते हो आप तो पहाड़ो के हो कैसे चढ़ते हो आप ऐसे नहीं मतलब कि आगे को झुक के आगे को झुक के है ना आप देख के छोटे छोटे स्टेप लेते हो है ना तो ऐसे चढ़ते हो आप पहाड़ी पे और कह रहा आप सिर ऊपर करके नहीं चढ़ सकते कभी भी पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकते अगर आप चढ़ोगे तो आप गिर जाओगे तो कह रहा जब आप आ, ऐसे करके चल रहे हो ना जिंदगी में तो समझ लेना कि आप डाउनफॉल में आ जाने वाले हो बिल्कुल है ना और जब आप झुक के चल रहे हो तो समझ लेना कि आप छोटे छोटे कदम से ऊपर चढ़ रहे हो अगर आपने गर्दन ऐसे की और ऊपर को जा रहे हो तो समझ लेना कि डाउनफॉल शुरू होने वाले बिल्कुल बिल्कुल तो महिमा <kess> जो भी है ना काम आपने स्टार्ट किया तो उसमें क्या ऑब्स्टेकल आती हैं जब स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे होते हैं आपने तो बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें किसी भी न्यू काम को शुरू करने में देखो उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स होती हैं एक तो डिपेंड करता है अगर आप कुछ हो फिर तो लोग एक्सेप्ट करते हैं आपको कि हाँ आप और कुछ बनने वाले हो लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं हो ना तो सब बोलते हैं कि अच्छा ये सही बात है सही ठीक बात है।, है तो पहले तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि यार अब वही ये ये था अब ये कर लिया क्या देखेंगे क्या हो जाएगा बस है ना। दूसरा तुम्हें लोग जज भी करना स्टार्ट हो जाते हैं जज तो ना शुरू से ही कर रहे होते हैं लोग हाँ। हाँ ना अगर आप अच्छा कर रहे हो तो भी जज तो करेंगे भी कर रहे हैं। अगर आपने थोड़े अच्छे कपड़े पहने तो भी जज करेंगे नहीं पहने तो भी जज करेंगे हाँ। लेकिन मैं आपको कपड़े वाली बात पे एक बताती हूँ जो ये कपड़े पहनने वाला सीन होता है ना मुझे लगता है की अगर कोई बंदा है जिसमे कुछ है तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसे आप इलांटे चले जाओ एग्जाम्पल इलांटे का ले लेते हैं जो सूट बूट में है वो फाउंटेन के पास फोटो ले रहे हैं जिनको जल्दी में काम है ना उन्होंने इतने से निकल पहनी चप्पल पहनी भाई वो अपना फोन पकड़ हाँ ये कर दो पैक और अपना काम करते हैं बिल्कुल बिल्कुल ना हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाँ, कपड़ों से तो ये जो हमारी कपड़ों की दुनिया है ना ये पता नहीं मुझे जो लगता है हाँ। मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ ये सिर्फ वही है जिसको दिखाना है कि मैं कुछ हूँ अगर मुझे नहीं दिखाना मैं कुछ और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे कोई जज करेगा मैं कुछ हूँ तो हम ये, कहीं ये भी जा वैसे ही अच्छी चीज है कि कि आप मेरे को लगता है कि इतना सोचना नहीं चाहिए हाँ दूसरों के बारे में कि यार मैं क्या पहन रहा हूँ यार खुद को कम्फर्टेबल है दूसरे कराए मेरे को क्या है लास्ट भी करवा चौथ पे ना मतलब करवा चौथ पे क्या बहुत सारे ओकेजन भी आए तो मैंने क्या किया अपना ना शादी वाला सूट पहन लिया तो मुझे बड़े फ्रेंड्स के मैसेज आए तूने वही सूट पहन लिया वही होगा हाँ तो मैंने उनको बोला मैंने कहा भाई मैं तीन हजार का सूट लूंगी और तीन हजार में अपने काम में इन्वेस्ट करूंगी सही बात है

और मैंने लिया नहीं, है। नहीं, और मेरे को ये लगता है कि जितना हम, ना हम लोग मरते क्योंकि हम दिखावे में फंस जाते हैं मेरे पास ये भी है ना किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को खुश करने की जरूरत दिखता नहीं है, नहीं है खुद दिखता है दिखता है अगर मतलब कोई तुम्हें जैसे पहले तो तुम्हें जब वो जज की बात कर रहे थे जज भी कर रहे हैं उस टाइम तक तुम्हें है, और कभी ना हेजिटेट नहीं फील करना चाहिए ग्रो होने के लिए मुझे ये लगता है ठीक है अगर तुम कुछ नहीं हो तब भी ऐसे अगर तुम कुछ हो तब, तब भी ऐसे और जब तुम्हारा वो फेस चल रहा है कि शायद तुम कुछ बन सकते हो ये यह। नहीं हम बन जाएंगे हम तो ये हमारे में फुकर नहीं हाँ। पता नहीं कल का क्या पता है अभी यहाँ से ऊपर आते हैं तो दो बार तो गिर गई तो ज्यादा गिर जाती कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो एंड थी तो गेम तो हमारी कभी भी एंड हो सकती है, सही बट बात हमें है।, ये है कि कि किसी से सही, आज हमारे पास चाहिए। है कल को हो सकता है कोविड के बाद इनके हालात इतने हो गए कि पहले वो अच्छे खाते थे लेकिन अब और कई ऐसे भी होंगे जो कोविड के बाद ऐसे ऐसे हो गए है ना तो इसका कुछ नहीं पता ये तो वक्त है ये तो किसी का साथ भी ऊपर नीचे हो सकता है ना बस आपका काम है मेहनत करना मेहनत करना अब हम किसी का स्ट्रगल भी देख सकते हैं जैसे बहुत अच्छे अच्छे फेसिस हैं जो आज यहाँ देखो जो अब यहाँ है ना अब उनको कोई भी उनकी फोटो देखेगा बोलेगा यार अब तो ये है ये तो मेरा फ्रेंड था ये तो मेरा फ्रेंड था और जब वो फ्रेंड होगा है ना उस, उसने भी कभी किसी से बोला होगा यार तू मेरा ये काम देख भाई मैं बिजी हूँ मैं यू बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल है ना जब तुम जीरो हो तब तब तुम्हें कोई बुला के राजी नहीं है जब तुम कुछ बनने वाले हो तब तुम्हारा लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि देखते हैं क्या कर लेगी जब तुम कुछ बन रहे हो तब सब बोलते हैं हाँ, फोन आएगा तुम्हें सुन यार मेरा ना ये काम करते होता तो हाँ। रही हूँ रिगार्ड हाँ। रिगार भी रखे हाँ, अब हाँ। तुम कुछ बन गए हो तो तुम हो कि भाई तू अब क्या बड़ा बंदा बन गया तो जैसे आपने बोला ना कि बड़ा बंदा तो मेरे को ना याद आता है की गुरन आपने सुने होंगे उसके गाने है ना सुने गुरन अभी उसकी फिल्म भी आ रही है तो गुण तो उसको मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि वो ना कभी एक टाइम था जब वो हरियाणा रोडवेज की बस में अंबाला से आता था ठीक है अपना गिटार टांग के और वो हरियाणा रोडवेज की बस में आ रहा है है ना उनका एक भजन है ना शुक्र करा मैं हाँ है हाँ। ना तो वो कभी बस में आ रहा है ना हरियाणा रोडवेज की बस में कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है कभी स्केटिंग सिखा रहा है ना बच्चों को मतलब कि छोटे छोटे काम कर रहा है वो अपने शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए अपने खर्चे करने के लिए चंडीगढ़ के हर क्लब में वो गिटार बजा रहा है रात को बारह बारह बजे तक है ना लेकिन अब मैं उसकी लाइफ देखता हूँ ना तो खुशी होती है कि सी उसने एक लेवल अचीव किया है है ना और मेहनत करके मतलब कि इतनी मेहनत की है ना अभी लग, लोगों को लगता है कि गुरु नजर शायद है ना ऐसे ही था जिस जिनको नहीं पता लेकिन मेरे को पता है कि उसकी बैक एंड कैसा था है ना कि उसने क्या-क्या किया है ना क्या-क्या जिंदगी में की? और ऐसे बहुत से, से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जूते घिस गए जिनकी मेहनत करते करते है ना आप तो ऐसे आर्टिस्ट की बात कर रहे हो ना जब आ, मैं किसी से बात करती थी जब मतलब कुछ था ही नहीं हुँ. कि भाई ऐसे करना है ऐसे करना है तो मुझे कई बार लोग कहते थे कि

तो मेरा एक पॉइंट या एक बात मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ जब तुम्हारे पास आइडियाज आना मान लो तुम इस लेवल पे हो और तुम किसी इस लेवल के बंदे के साथ जो जिसके लिए शायद तुम तुम्हारी इंटेंशंस बहुत अच्छी है और तुम्हें लगता है कि मेरी बात सुनेगा है ना समझेगा तुम जा रहे हो उसके पास बैठ रहे हो तुम अपना आइडिया बता रहे हो कि मैं ना ऐसे ऐसे कर लूंगा ऐसे ऐसे कर लूंगा और बंदे को पता भाई मैंने भी ये किया था और मैं हिट हो गया कहीं ये ना हिट हो जाए हमें बंदा बोलेगा नेगेटिव पागल है ऐसे करते हैं तेरे को पता है इसका साइड वो बंदा में कहीं नहीं बोलेगा भाई मेरी स्टोरी भी यही है मेरी मैं भी ऐसे हिट हुआ हूँ वो तुम्हें बोलेगा नहीं ये तो तुमने बिल्कुल ही नहीं करना है बिल्कुल तो वट यू वॉन्ट टू से ऐसा नहीं करना चाहिए उसको सपोर्ट करो एटलीस्ट uh, अगर देखो हर कोई बंदा जब कोई भी पर्सन जब भी स्टार्टअप करता है कुछ भी करता है तो वो एकदम से नहीं हो पाता हाँ, हाँ या so करेगा वो so करेगा और जिस बंदे से हम डिस्कस कर रहे हैं या कोई अगर अच्छा है तो उसने भी वो सब कुछ किया होगा हाँ. है ना लेकिन अगर कोई तुम्हें कह रहा है जैसे कई बार मैंने भी देखा है कि हाँ मुझे भी कई लोगों ने कहा कि यार तू क्या कर रही है अब जैसे अगर इस रूम का ले ले है ना आप ये चीज लेके आए ये हाँ। लेके आए ये लेके आए अब आपका कोई फ्रेंड हो को पागल है यार इंटरव्यू तो लेना क्या लेके आ रहा है ये हाँ। अब जो टीवी पे अच्छी दिख रही है वाह यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है मैं भी करूँगा तो हाँ। लोग तुम्हें कभी भी मोटिवेट नहीं करने वाले वो तो है ही है गुड तो मोटिवेटर है।, है शायद वो तुम्हारे ब्लेसिंग्स मांगेगा लेकिन जिन लोगों से तुम फोन करके मेरे को लगता है कि एंड में जाके ना जिंदगी में एक दो दोस्त एक या दो, दोस्त ही बच, बचते है जो सच में आपके दोस्त होते हैं बाकी सब ऐसे लेवल की हो कि कोई गिव एक ना हो गिव एंड एक मतलब ऐसा ना और वो ना बड़ी अनकंडीशनल दोस्ती होती है हाँ। जिसमें ये नहीं होता है कि आज महिमा अच्छा कर रही है तो मैं इसका दोस्त, दोस्त हूँ बुरा करेगी तो अगर इसका लो फेज आ गया हाँ, जिंदगी तो में फोन भी नहीं हाँ तो वो नहीं होना चाहिए दोस्ती में है ना वो एक दो ही होते हैं बस वो ज्यादा नहीं होते उस वो आपकी जिंदगी में एक दो दोस्त ही होते हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े हैं जब आपका अच्छा पीरियड है तब भी साथ हैं जब आपका बुरा पीरियड है तब भी साथ है ना ये थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके thank और आई हो so आपको much. मजा आया हाँ, बहुत मजा आया कितना मजा दो मिनट भी हमारा जल्दी करूँ मैं लेट हो रही नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे अच्छा लगा शायद <laughs> <laughs> मेरे को था भी <laughs> <meditation laughs> <करनी है। laughs> नहीं कि इतने अच्छे से मैं बोल भी पाऊंगी मेरे को नहीं नहीं आप इतना अच्छा बोलते हो मतलब कि

स कर सकते लेकिन उससे पहले जो आपने खुद अपने अंदर चेंज किया ना वो जरूरी था अभी तो हुआ ही नहीं है वो अभी तो मैं उस वे पे हूँ मतलब मेरा कंप्लीट चेंज हो गया फिर मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगी भाई कर अब जो सामने वाले को अभी तो मैं खुद ही डर रही हूँ वो कहीं मुझसे कोई क्वेश्चन ना बोल बीस पच्चीस दिन पहले तो कुछ और कर रही थी अब तो कुछ और कर रही है तो उसे कंसिस्टेंसी में लाना पड़ेगा बहुत जरूरी है वो एक एक चीज पे अपना फोकस रखो और उसी को करो है ना ये नहीं क्योंकि वो जैसे आपने पहले बोला कि मेरे को होता था, था कि हर दो तीन साल बाद चेंज कर दो चेंज कर नहीं, दो बट अब मुझे लगता है कि देखो इसी रस्ते पे चलना है रस्ते चेंज हो सकते हैं बट अब जो रास्ता है, है, है वो यही है वो फिक्स है वो फिक्स थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू